अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द टॉप टॉप शो। कैसे हैं भाई आप लोग? मज़े में हैं, सेट हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। जो वर्ड है ना एवरग्रीन, वो यूँ समझें कि इन्हीं के लिए बने। ऐसी शानदार फिटनेस मॉडलिंग से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, एक्टिंग में अपना नाम बनाया, आजकल एक एंटरप्रेन्योर की सूरत में हम उनको देख रहे हैं। ख्वातीनों हज़रात, बुलाने जा रहा हूँ हरदिल अजीज, आप सबके फेवरेट एजाज असलम। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू एजाज, थैंक यू सो मच आप मेरे शो पे आए। नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स माय प्लेजर। बड़ी लेट बुलाया आप। सर आपका बजट नहीं हो रहा था, फाइनल नहीं हो पा रहा था। बजट नहीं फाइनल हो पा रहा। अच्छा अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, बिकॉज आपको देख के ना मेरा आपको एजाज भाई कहने का दिल नहीं चाहता। हाँ, और आपके जितने लोगों का नहीं चाहता। आपके जितने कंटेम्प्रेरीज हैं उनको होता है कि अदनान भाई, फैसल भाई, हुमायूं भाई, लेकिन अब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं यू डोंट लुक लाइक अ एजाज भाई। बस बहन नहीं कहना। But you also don't look like a, you know, like an Ijaz bhai. But I try hard, I work hard on it to not to look like a bhai. But Ijaz, odd bhi lag raha hai yaar, aap itne senior hai. Ijaz sir keh le. Mujhe acha lag raha hai. Acha Ijaz, odd lag raha hai. Nahi, sahi hai. Acha Ijaz, 1993 mein Kashkol aaya. And we are sitting in 2023. Pehle to taaliyan bhai, 30 years, mashallah. बीच में ऑफ कोर्स थोड़ा सा गैप आया जब आप डिजाइनिंग फैशन डिजाइनर आप बने जी, बट 30 साल तक अगर देखा जाए तो एक रेलेवेंस तो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यू रिमेन्ड। क्या एक ऐसी चीज आप में है कि 30 साल के बाद भी आज भी आपका नाम जब लिया जाता है तो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं? आई थिंक माई द हिस्ट्री ऑफ वर्क, जो मैंने काम किया है पीछे और जो मैं मेहनत करता हूँ अपने जब प्रोजेक्ट्स लेता हूँ उसके ऊपर, सो आई ट्राई टू मेक एन इम्पैक्ट कि अपनी जो स्किल्स हैं, एक्टिंग स्किल्स या जो भी जितना भी समझ है काम की, उसमें अपना 100% देने की कोशिश इंसान ज़रूर करे, फिर बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। सो जो भी प्रोजेक्ट किए है उसमें मेहनत बहुत की शुरू से। व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी, आर यू हैप्पी, कंटेंट कि यार जितना काम था आपने किया, धड़ल्ले के साथ किया, हर तरह के किरदार किए, या आपको लगता है कि कुछ रह गई कमी? मुझे काम बहुत किए, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिले करने को, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे एक्शन मिसिंग है मेरे जो जितना भी मेरा पोर्टफोलियो है, क्योंकि एक्शन ड्रामे यहाँ बनते नहीं हैं। फिल्म जिस वक्त मुझे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, बड़ी ऑफर हुई तो मैं थोड़ा शाय था कि मैं पता नहीं कर सकूं वो चीज़ें सारी या ना कर सकूं। फिल्म एक ही की है ना आपने? फिल्म मैंने दो की हैं, अभी एक आनी है। अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है वो, लेकिन सारी कैरेक्टर बेस्ड है और वो बहुत इंटेंस परफॉर्मेंसेज हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक्शन मिसिंग था। तो अभी मैं रिसेंटली एक ड्रामा कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया है, उसमें मुझे मौका मिला थोड़ा बहुत एक्शन का, जो हमने जिक्र किया था अभी, तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा एक्शन भी ऐड हो। आप कौन सा भी बड़े हो गए हैं? हाँ, अब कौन सा अभी बड़े, बुजुर्ग तो बहुत दूर की बात है, अभी तो बड़े ही नहीं हुए। सो उसमें मैं एक्शन जो अपने स्टंट्स हैं वो भी खुद कर रहा हूँ, थोड़े डेंजरस हैं, जख्मी भी हुआ मैं, लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आ रहा है। थ्रू आउट दिस जर्नी अगर आपके माइलस्टोन्स की हम बात करें तो आप किस प्रोजेक्ट को या क्या ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको आप माइलस्टोन्स कंसीडर करते हैं? जो मुझे जिनको करने में, परफॉर्म करने में भी मज़ा आया और ऑडियंस ने भी किया, एक मेरा ड्रामा था किस्मत जी, अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया था, जियो पे वो चला था, कास्ट भी बड़ी अच्छी थी उसमें, जुहैब हसन ने एक्चुअली अपना कम बैक किया था अपनी एल्बम के थ्रू, वो एक बड़ा डिफरेंट सा कैरेक्टर था मेरे लिए, एक वो मुझे बहुत मज़ा आया था करने में। एक चीख मेरा ड्रामा था जी, बदर ने डायरेक्ट किया था, उसमें मुझे काफ़ी मार्जिन मिला काम करने का। तो प्रोजेक्ट्स इंसान काफ़ी कर रहा होता है, फिर नंद एक ड्रामा आया जो कि वैसे बहुत लोगों में हिट हुआ, अब दो तीन एक मेरे प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं जो मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे मज़ा आ रहा है और जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होंगे। एक जो मेरी कंप्लेंट है आपसे वो ये कि कॉमेडी मेरा बड़ा लोगों को पसंद आता है। यार तालियां भाई, वो तो
वो थोड़ी सी लाइन हो सकती है वो कैरेक्टर मैं और तुम और किस दिन मेरा ब्याह होगा. बिल्कुल बिल्कुल. चौधरी नज़ाकत का एक कैरेक्टर जो था वो बड़ा लार्जर देन लाइफ एक मैंने खुद क्रिएट किया था वो उसकी सारी. अच्छा मुझे पता चला कि जब आप वो चौधरी नज़ाकत सेट पे गए यू हैड नो आइडिया कि मैंने करना क्या है. कुछ मुझे नहीं पता था. उस रोल हुआ है और आप उस उसमें आ गए. और मैंने 3 दफ़ा वो स्क्रिप्ट पढ़ा मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि करना क्या है उसमें. कुछ उसमें स्क्रिप्ट में सच मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कुछ क्या कर पाऊँगा. उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी तो मुझे उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड करने थे. तो उन दिनों हम एक क्रिकेट मैच खेलने गए थे दुबई में सलमान खान की टीम के साथ बीइंग ह्यूमन उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है. तो वहाँ से हाँ तो वहाँ से मेरे पास कुछ पिक्चर्स थी सलमान खान की. तो मैंने वहाँ से फिर वो उसको लिंक किया और कनेक्ट किया और फिर मैंने वो कैरेक्टर बनाया. डायरेक्टर से डिस्कस किया मैंने इफ़ी से. मैंने कहा यार क्या किस तरह से टोन क्या लूँ. वो कहने लगा मुझे खुद नहीं समझ आ रहा आप खुद बनाएं. तो बस मैंने फिर कहा अच्छा ठीक है तुम टेक करो करते हैं. तो पहली टेक में मैंने कुछ ऐसे ही कंसीव किया हुआ था उसमें मैं आया तो क्लैपिंग करना शुरू हो गए सब जितने भी लोग थे. तो फिर वहाँ से मुझे वो एक एनर्जी मिली और फिर मैंने उसको कैरी ऑन किया. और मैं और तुम जो है जब मैंने स्टार्ट किया तो जब सिलेक्शन हो रही थी फैसल था उसमें ऑलरेडी. तो अच्छा वो लॉक हो चुके थे. फैसल लॉक था. तो अब मैं उस वक्त कंपैरेटिवली कॉमेडी मैंने कोई एज सच की नहीं थी. तो रिजर्वेशन थी कुछ लोगों की जो प्रोडक्शन से इन्वॉल्व थे कि यार कॉमेडी. ऑडिशन हुआ फिर आप? नहीं ऑडिशन नहीं हुआ. पर डायरेक्टर असफर था जगजीत साहब. उन्होंने कहा नहीं यार ये कर लेगा. तो पहली एपिसोड में जो है ना मुझे ज़रा जब हमने रिकॉर्ड की तो मसला हुआ क्योंकि कॉमेडी के अंदर एक्सटेम्पोर होना काफ़ी ज़रूरी होता है और आपको बात से बात निकालनी होती है. टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. फैसल से दोस्ती थी तो वो टाइमिंग ज़रा बनाने में फर्स्ट डे मुझे एडजस्टमेंट. सेकंड एपिसोड जब हम शूट करने गए तो सब मुझे बोलते बस रुक जा भाई बस रुक जा. थोड़ा सा वो करके दिखाए ना कुछ अगर आपको याद. यार मुझे याद नहीं है सच बच. उसमें हमारे कुछ वर्ड्स होते थे यार बड़ा टोक. मेरा बड़ा सीरियस था लेकिन उसके अंदर टाइमिंग होती थी. तो मैं थोड़ा वो श्रूड आदमी होता है लेकिन जो है वो काम भी है और वो बेसिकली ईवल माइंड होता है उसका और वो प्लानिंग करता है सारी. और फैसल जो है उसको ख़राब कर देता है इवेंचुअली. तो इस तरह होता है. मैं उसमें बोलता हूँ यार बड़ा टोकन आदमी है यार तू. तो फैसल की फिर एक बड़ी हाई पिच टोन होती थी यार मैं समझा रहा हूँ ना यार तुझे तू समझता है कि. तो इस तरह का वो एक हमने कॉम्बिनेशन बनाया था. एक आदमी बिल्कुल भोला भाला सा है गाँव से आया हुआ है और एक शहर में रह रह के आया गाँव से हुआ बहुत श्रूड हो गया. So I was kind of a planner. तो ये जो आपकी और फैसल की दोस्ती है ये दोस्ती हम नहीं तोड़े. गाना इस पे गाने बने इस पे अफसाने लिखे गए. ये दोस्ती यहाँ से शुरू हुई थी या पहले से थी? नहीं बिल्कुल. असल में मैं और तुम से हमारी दोस्ती ज़रा अच्छी हो गई थी. लेकिन एक दफ़ा हम एक अवार्ड फंक्शन में गए हुए थे दुबई तो वहाँ हमारी दोस्ती हुई है. ऐसा क्या हुआ दुबई में? ऐसा हुआ ये कि उनको तो मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ आपको भी जान रहा हूँ तो ऐसा क्या ऐसा क्या जो हुआ वो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो अवार्ड मुझे लगता था फैसल को मिलना चाहिए था और वो मिल किसी और को गया. तो मैंने वहीं पे बोल दिया सबके सामने. मैंने कहा यार ये तो इसका अवार्ड था यार ये किसी और को कैसे मिल सकता है. तो उस पर फैसल ने कहा यार कैसे तुमने सबके सामने बोल दिया जिसका अवार्ड मिला उसको बोल दिया. तो वहाँ से फिर वो मिला किसको था अवार्ड? यार हुमायूं को मिला था. नहीं दोस्ती इतनी हम लोगों की माइंड नहीं किसी ने. अच्छा वैसे ये बड़ी जबरदस्त बात है कि आप ये जो आप लोगों का पूरा ग्रुप है आप हुमायूं अदनान फैसल ये आप लोगों की दोस्ती माशाल्लाह बरकरार रही है. हाँ हमने आप लोगों के कभी भड्डे नहीं हुए? बिल्कुल कभी भी नहीं हुए. ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे अदनान से हुआ था. मेरा एक आध दफा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. उन्होंने तो आपका रोल भी मारा था ना पहला अरूसा वाला. नहीं वो मुझे ऑफर हुआ था मारा नहीं था उसने रोल. मैंने वो नहीं किया था. मैं उस वक्त पढ़ रहा था तो मेरी अम्मी ज़रा स्ट्रिक्ट थी. उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि मेरे अब्बा जो हैं वो भी लाइव जब ड्रामे होते थे उस वक्त वो उन्होंने थोड़े से एक दो प्रोजेक्ट्स किए थे. तो कहने लगे बड़ा टाइम वेस्ट होता है बिल्कुल तुम नहीं करना. अब्बा मेरे सपोर्टिव थे वो कहते थे करो यार करो. तो बस वहाँ वो मुझे जब ऑफ़र हुआ मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं पढ़ रहा था. तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे मना किया कि मत करो तो मैंने मना कर दिया. फिर वो ऑब्वियसली अदनान को ऑफ़र हो गया था. अदनान भी उस वक्त नया नया मॉडलिंग में आया था. तो वो फड्डा कब हुआ फिर आप दोनों का? वो बहुत बाद में हुआ था. वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बस उसके बाद. लेकिन फिर वो
सही हो गया था, अपने दोस्तों ने करा दी, सेटिंग करा दी, तो वो फिर हमने मिलजुल के बात की तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। एंड यू गाइस स्टिल हैंग आउट माशाल्लाह, मैं देखता हूं क्रिकेट आप लोग साथ में खेलते हैं, इवन ट्रैवल भी आप लोग साथ में करते हैं, खाना भी सब। हाँ, तो हम लोगों का वो ग्रुप है, बना हुआ है ऑन एंड ऑफ, हम काम की वजह से मिल ना भी पा रहे हों, लेकिन जब मिलते हैं तो फिर बड़े अच्छे से। बट हम लोगों का कोई आपस में ये नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट हमेशा कर रहे होते हैं, फोन पे इन टच होते हैं। इस बात पे तालियां बनती भाई, हमारे जो सीनियर तो एक्टर तो कहना ही पड़ेगा, सीनियर एक्टर है, इनकी दोस्ती के किस्से जो है वो माशाल्लाह बड़े मशहूर है, हम देखते भी रहते हैं। मैं जो कंप्लेंट का एक जिक्र कर रहा था, ऑफ लेट आप बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए ड्रामों में आते हैं, इसकी क्या वजह है? फुल फ्लेज्ड रोल क्या कैरेक्टर लिखे नहीं जा रहे सीनियर एक्टर्स के? मैंने नंद ड्रामा जो है वो लास्ट एक बड़ा ड्रामा था जिसमें एक फुल फ्लेज्ड रोल था, वो किया। उसके बाद मुझे कोई स्क्रिप्ट ऐसा समझ नहीं आ रहा था, छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे जो कि इम्पैक्टफुल थे, सो मुझे लगा कि यार ये इसमें एक इम्पैक्ट तो है ना कैरेक्टर का, और उसमें मुझे थोड़ा सा मार्जिन भी मिल जाएगा परफॉर्मेंस के लिए। तो फिर मैंने वो सिलेक्टिव होके कोई 5-6 प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन अब जो कुछ फॉर्चुनेटली 2-4 क्योंकि चैनल्स भी बहुत ज़्यादा हो गए तो अब चॉइस ज़्यादा आ गई, स्क्रिप्ट ज़्यादा आने लगे, तो अब मैंने जो 3-4 मेरे अभी नए ड्रामे आने वाले हैं वो मुझे लगता है कि फुल फ्लेज रोल होगा, वो शिकायत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तालियां इस बात पर, खत्म हो जाएगी। आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ कंटेंट जो बन रहा है, क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं खुद भी? थोड़ा सा मुझे लगता है मोनोटनस है, चेंज की ज़रूरत है, बिकॉज लोग जो हैं हमारे देख रहे होते हैं वेब सीरीज़ और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप डिफरेंट किस्म की स्टोरीज़ देख रहे होते हैं, बड़े आपके पास चॉइस आ गई है कि आपने जो जिस जॉनरा की फिल्म देखनी है या वेब सीरीज़ देखनी है तो वो आप देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ नए चैनल्स आए, वो एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल काम बहुत कम हो रहा है। मुझे लगता है उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है और उसको एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है, तो उसमें एक्टर को भी काम करने में मज़ा आता है, ऑडियंस को भी थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। सो आई थिंक देयर इज़ अ नीड, देयर इज़ अ गैप, उसको फिल करना ज़रूरी है। इस वक्त जो भी पहल करता है उसको एडवांटेज उसका स्टार्ट करने का मिल जाता है। सो मुझे लगता है अभी एक स्पेस है बहुत बड़ी, जो कि हमारे पास बहुत सारे जॉनर्स हैं, जैसे हॉरर में कम काम हो रहा है हमारे पास, रोमांटिक बहुत कम, एक्शन है ही नहीं, एक्शन तो बिल्कुल नहीं है, तो अब थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ है। कुछ चैनल्स हैं जो एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं और कुछ हैं जो फॉर्मूला काम करते हैं, बिकॉज वो रेटिंग वाइज हमारी मैसेज की जो लाइकिंग है उसके हिसाब से लेके चल रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे होते। सो मुझे लगता है कि रिस्क लेना ज़रूरी है, स्पेशली बड़े चैनल्स जो हैं अगर वो कोई एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं, सो आई थिंक लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ देखने को। और आपको ये क्यों लगता है कि कॉमेडी क्यों कम हो गई है? आपने इतना किया कॉमेडी और इतनी माशाल्लाह उसकी, ऐसा नहीं है कि व्यूअरशिप नहीं है, इतनी व्यूअरशिप है, लोग पसंद करते हैं, बट कम क्यों हो गए? कम मुझे यूँ लगता है इसलिए हो गई कि वो रमज़ान की तरफ ले गए हैं उसको, बट वो भी कॉमेडी तो नहीं है। हाँ, बहुत लाइटर कॉमेडी है। सो मुझे लगता है कि कॉमेडी के ऊपर कम काम हो रहा है, आप सही कह रहे हैं, वो हमने उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक कर दिया कि जी रमज़ान के लिए सेव और कर, वो एक सिटकॉम फॉर्मेट से हम हट गए। हाँ, वो सिटकॉम अच्छा, एक्चुअली कॉमेडी लिखना बड़ा मुश्किल काम है और उसमें एक्टर की इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़रूरी है कि वो एक्टर जो है अगर वो खुद उसको कैसे बना लेता है अपने कैरेक्टर को कि वो लार्जर देन लाइफ बन जाते हैं, तो वो 2-4 चीज़ें आईं, एक जैसे वो बुशरा आपा ने किया था, वो जो उनका एक कैरेक्टर था बड़ा अच्छा वो हुआ, फिर चौधरी नज़ाकत आया, इस तरह उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बड़ा कैरेक्टर कॉमेडी का आया। लेकिन हमारे यहाँ एक मसला ये भी होता है कि एक्टर जब कॉमेडी करता है और वो कोई अच्छा कर जाता है तो वो फिर एक छाप लग जाती है, फिर वो सीरियस रोल में ना, लोग, मैं जब वो करता था किस दिन मेरा ब्याह होगा, तो मुझे उससे निकलना बड़ा मुश्किल हुआ, मुझे वो इवेंचुअली उसको ब्रेक करना पड़ा, 2-3 साल मुझे लगे कि लोगों का परसेप्शन क्लियर करने में कि यार सीरियस काम भी करता आया था भाई ये, तो सिर्फ कॉमेडी नहीं। तो जो पाकिस्तान में कॉमेडी बननी थी, सबसे पहला फ़ोन मुझे आता था कि आपकी डेट्स अवेलेबल है, तो मैंने मुझे छोड़ना पड़ा बहुत सारा काम ताकि मेरी एक वो ख़राब ना हो कि भाई ये सिर्फ एक कॉमेडी ही कर सकता है। बट अभी रिसेंटली आपने मैं सीरियस काम किया। हाँ। और मैं दोबारा चाहूँगा कि आप लोग अप्रिशिएट करें एजाज को, कि वो आपका सीन था एक, एंड आई वाज लाइक यार जब वो रिवो के पीछे आप भागे, बिकॉज आई नो यू ड्राइव अ रिवो, एंड आई एम लाइक यार ये
क्योंकि रियल लाइफ के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना, एक बंदा भागे जा रहा है और फिर जिस तरह से वो जो भी एक ट्रेजेडी चल रही थी या इशू चल रहा था, जिस तरह से फाइनल मोमेंट्स में यू नो बिफोर दैट हार्ट अटैक, वो कितनी एफर्ट चाहिए होती है इस तरह के सीक्वेंसेस करने में? जब आप एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ड्रामे को और फिर आपने कैरेक्टर बिल्ड किया होता है अपना, सो वो उसको लेके उसकी कंसिस्टेंसी लेके थ्रू आउट द प्ले मेंटेन करनी होती है. सो सीन्स भी इस तरह के लिखे हुए थे बड़े अच्छे, जंजीबील ने वो स्क्रिप्ट लिखा था, तो उसको उसके अंदर जो है सोल डालनी होती है बेसिकली एक्टर को. सो यू हैव टू फील दैट कि यार वाकई उस मिजरी से वो आदमी गुजर रहा है और क्या जो गुजर रहा होता होगा वो क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट होता होगा उसकी ज़िंदगी में, कितना स्ट्रेस और कितना वो सब चीज़ें सोच के फिर वो इंसान करता है. इसी तरह मेरा एक कैरेक्टर था लोग क्या कहेंगे, उसकी तो बड़ी स्टोरी है भाई, वो फंदे वाली. हाँ. कैसे आपको पता है लोग क्या कहेंगे? इनका एक सीन था वेयर द कैरेक्टर हार्म्स हिमसेल्फ, वो सुसाइड कर लेता है. सुसाइड में बोलना नहीं वर्ड, वो लोग ट्रिगर भी हो जाते हैं उससे, बट वो एक्चुअली में फंदा इनके गले में अटक गया क्योंकि हार्नेस के साथ लटके हुए थे. वो बताया ना, टूट गई थी हार्नेस. सो बेसिकली वो कैरेक्टर से मैंने बहुत सीखा भी, और उसकी लकीली हुआ ये था कि मेरी शूट जो है वो कंटिन्यूस हुई थी 10-12 दिन, तो मैं इतना उसके अंदर फंस गया था कैरेक्टर के अंदर, वो रोज़ बरोज़ वो इंटेंस होता जाता था वो कैरेक्टर जब हम शूट कर रहे थे. सो उसका कंक्लूजन जो है ना बड़ा ज़रूरी था, तो वो मुझे चैनल ने कहा कि भाई हम ये सुसाइड वाला सीन हम चला नहीं सकते, ये इसके ऊपर वो है रिस्ट्रिक्शन. तो मैंने कहा यार उस कैरेक्टर की कंक्लूजन जो है वो तो करनी है, तो वो लिखा हुआ है तो मैं करूँगा. मैंने खुद ज़िद की कि मुझे वो कंक्लूजन, मैंने कहा आप यूट्यूब वाले वर्जन में चला देना, बेशक ऑन एयर ना करो. वो इतना इंटेंस सीन था कि उस उससे सीखा ये कि जो इंसान इस सिचुएशन से गुजरता है, डिप्रेशन एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, और जो आसपास आपके लोग होते हैं वो उनको ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई आपकी फैमिली में खुदा न खास्ता इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसका ख्याल रखें, उसका इलाज करवाएं, उसका उसको रिहैब करवाएं. और आपने ये भी बताया कि वो 2-3 सेकंड थे लेकिन आपकी आवाज़ कुछ वो, दो महीनों जब के लिए वो टूटा है तो वो फ्यू माइनर सेकंड्स थे, और उसमें मुझे पता लगा कि जब आदमी सिचुएशन में आता है और किस एग्नी से गुजरता होगा, वो कुछ चंद सेकंड के लिए लगा. मेरे पांव सुन हो गए थे, आवाज़ बंद हो गई थी, 1.5-2 महीने मैंने बड़ी स्ट्रगल की, पूरा यहाँ से चोक हो गया था, निशान पड़ गया पैरों. और वो जो पीछे हार्नेस टूटी तो आपने डांडा नहीं उनको भाई? वो जो खड़े हुए थे वो भाग गए, उन्होंने कहा ये अभी उतरेगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा. उसके बाद भी मैंने वो सीन, मैंने आधा घंटा रेस्ट करके वो सीन को कंप्लीट करवाया. मुझे उन्होंने कहा पैकअप कर दें आप, घर जाएं. सब शॉक में आ गए थे, लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था सेट पर, दायरे में गिरा था ऊपर से. और सो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये बहुत मेहनत का काम है. जिसको एक्टर बनना है ना, आपको पता होनी चाहिए बात भाई, ऐसे आप ऐसे जब तक पूरा फील नहीं करते उसको तो हाँ. मजा, आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे जब आप कन्विंस नहीं हो. सही बात. अब चूंकि यहाँ पे ऑडियंस भी मौजूद है और वो भी आप लोग से सवाल करना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल ले लें हम. बिल्कुल ले लें. हाँ जी, कौन सवाल आप पूछना चाहेंगे? आए ना यहाँ पे आगे बैठ के आप सवाल करें, मुझे तो मौका चाहिए होता मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाया करूँ थोड़ी देर. अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नहीं चल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महरीन है. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप इतने फिटनेस फ्रीक हैं, आपको तो अभी भी बहुत प्रपोजल आते होंगे. थैंक यू महरीन, आपने अच्छा सवाल पूछा. आप वापस अपनी नशिस पे जाए और मैं जवाब ले लेता हूँ. एजाज, फिटनेस प्रपोजल आ रहे हैं अभी भी या नहीं? फिटनेस का प्रपोजल से कोई ताल्लुक नहीं है. नहीं है ना, मुझे फिटनेस के हवाले से सवाल बहुत आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. मुझे इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं सोशल मीडिया पे कि जाज भाई कुछ बताएं, हमारी बच्ची की शादी है, उसका वज़न ज़्यादा है, तो 2 महीने में शादी है, कैसे कंट्रोल करें. तो ये इस किस्म के मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और क्या करना चाहिए यू नो टू स्टे फिट और फॉर अ लॉन्गर टाइम. प्रपोजल नहीं आ रहे? लेकिन प्रपोजल नहीं आ रहे यार, इसकी क्या वजह हो सकती है यार? ये पता नहीं, लोगों को पता लग गया है कि शादीशुदा है. हालांकि मैंने तो कह दिया कि आप भाई तो बिल्कुल नहीं लगते कहीं से भी, ना लड़कों के ना लड़कियों के. ये एक अच्छी बात है, बट
फिटनेस की जनरल आपने कभी सोचा नहीं कि जिम में भी खोल लें आप? इतने आप लोगों से आपसे सवाल, इंडस्ट्री के लोग मुझे पता है आपको फोन कर करके पूछते हैं कि क्या करें, कैसे वेट लूज करें, कैसे फिट हो। जिम खोलने का मुझे मुझे एक रेस्टोरेंट खोलने का बड़ा शौक है, क्योंकि मैं जिस किस्म की चीज़ें अपने लिए क्रिएट करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो लोगों तक भी पहुँचे। तो मैं जो अपने इंस्टाग्राम और उस पर लगा देता हूँ, तो वहाँ से मुझे बड़ी, मैं एक भी चीज़ लगाऊँ ना, इतने मैसेज आते हैं कि रेसिपी प्लीज़, रेसिपी प्लीज़। तो फिर मैं जो कभी ज़्यादा टाइम होता है तो मैं पूरी एक रेसिपी भी बना देता हूँ, फिर मैं बेनिफिट्स लिखता हूँ कि ये चीज़ खाएंगे तो इसके ये बेनिफिट्स। खोल क्यों नहीं रेस्टोरेंट आप जहाँ पे? यार टाइम बड़ा चाहिए, रेस्टोरेंट ऐसा बिजनेस है कि उसमें आपको खुद बैठना पड़ता है उसके ऊपर, तो फिर वो आप उसको सही तरीके से चला सकते हैं। और जिम का भी यही है कि इट नीड्स टाइम, और मैं खुद, फैसल तो मुझे छेड़ता है, कहता है कि अब जब ये इसने एक्सरसाइज करनी शुरू की थी तो पाकिस्तान के जिम खुलने ही इसकी वजह से हो। तो मैंने हर जिम में तकरीबन जो है ना जाके ट्राई किया। तो अच्छा, अब आप कितना जिम करते हैं? मैं 1.5 घंटा करता हूँ हफ्ते में, रोज हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट करता हूँ। और मैं बड़े शौक से करता हूँ, मैं ऐसा नहीं, अच्छा, आपका वो नहीं है कि मैं ऐसा नहीं है कि यार ये है बस जाना है चलो, मैं बहुत शौक से बड़े पैशन से। अगर शूट लेट भी खत्म हो तो रात में भी? मैं तो सुबह, आई एम अर्ली राइजर, 6 बजे मैं उठता हूँ, क्योंकि रात में तो टाइम नहीं होता, तो मैं इसीलिए जल्दी उठता हूँ ताकि मैं जिम कर सकूँ। तो मैं सुबह करके अपना फ्री हो जाता हूँ, और मुझे लगता है कि रात जो है ना वो अगर आप जल्दी सोते हैं तो आपकी बॉडी रिकवर बहुत अच्छा करती है, और आपको जो है ना सारा दिन बहुत अच्छा आपका एनर्जी रहती है आपके अंदर काम करने की। तो आप अगर आप लेट सोते हैं तो आप फ्रेश नहीं उठ रहे होते, बिकॉज रात में जो आपकी बॉडी रिकवर कर सकती है, बॉडी की क्लॉक होती है ना सुबह होती है तो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, तो आपकी रिकवरी नहीं सही होती। सो रिकवरी अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इस नोट पे लेंगे एक ब्रेक। खातिनों हजरात, एजाज यहीं पर मौजूद है, मुझे बहुत ऑड लग रहा है लेकिन मैं बोलता रहूंगा, एजाज यहीं पर मौजूद है, अच्छा लग रहा है। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू फातिनों साथ, वेलकम बैक। तो क्या वाकई में बहुत सीधे हैं? यार सीधा कह लें या यूं कह लें कि बस एक लिमिट होती है ना यार, तो उसमें रहना चाहिए। नहीं मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि कोई आपकी कंट्रोवर्सी है ही नहीं। हाँ, बड़ा ढूंढा है मैंने, क्या ढूंढा, पूरी टीम लग रही, पूरी रात हम लोग ढूंढते रहे, कोई आपकी कंट्रोवर्सी नहीं मिली। 30 साल हो गए, कोई चक्कर नहीं चलाया आपने, कोई इक्का दुक्का फड्डे हुए आपके, वो भी कोई इतने बड़े नहीं हुए फड्डे, भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। यार मैं ज़रा जो सिचुएशन होती है ना जिंदगी में जैसे चल रहा होता है उस, आई टेक इट एज इट इज़ जो आ रहा होता है। बट असल जिंदगी में दोस्तों के साथ या घर पे आप क्या बहुत मासूम है क्या? नहीं, दोस्तों के साथ मासूम नहीं हूँ, लेकिन स्मार्ट थिंकर हूँ मैं, चीज़ों को ज़रा के नज़र नहीं आने देते आप? नहीं नज़र नहीं, कुछ ऐसा करना नहीं चाहता या करता नहीं हूँ कि जो है जिससे कोई कॉन्ट्रोवर्सी बने, चाहे किसी भी किस्म की हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, कि वो फिर एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं आता आपका एज अ पर्सनैलिटी। आप इतने साल एक चीज़ लेके चल रहे होते हैं, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। बट आजकल तो स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और जहाँ पे एक्टर्स की ट्रोलिंग बहुत होती है, एक्टर्स स्टार सेलिब्रिटीज़ की, वहाँ पर बहुत सारे जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो खुद से भी बहुत वोकल हैं, यू नो, इंस्टाग्राम के ऊपर या ट्विटर के ऊपर, नाउ एक्स, अपनी अपना ओपिनियन का इजहार करते रहते हैं। और अक्सर हमने ये भी देखा है कि एक्स वाई जी की कोई बात चल रही होगी तो ABC अपना ओपिनियन खुद ही बीच में दे देगा। आपने वो भी कभी नहीं किया? यार मैंने किया कभी कभार, एक आध दफ़ा किया, लेकिन इस बात का अंदाज़ा समझ लें कि ऐसे हुआ कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर हर कोई है, तो जिसका IQ लेवल बहुत ऊपर है वो भी है, जिसका कम है वो भी है, हर किस्म के लोग आपको मिल जाते हैं, तो हर कोई अपनी समझ के हिसाब से, अपनी जितनी उसकी सोच है उस हिसाब से बात कर रहा होता है। सो बहुत सारे लोग उसकी डेप्थ में नहीं जाते, और एक अपना कंक्लूजन, हर कोई 30 मार खान है, वो हर कोई अपना कंक्लूजन दे देता है, तो उसके अंदर ना अपने आप को आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो एज इट इज़ जो है ना, नेगेटिविटी मैं नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी में आए, जो नेगेटिव पार्ट आता है मैं निकाल देता हूँ। निकाल देते तो वो इस तरह का कुछ आए भी कमेंट तो मैं वो ब्लॉक कर देता हूँ ऐसे लोगों को, मुझे नहीं चाहिए नेगेटिव। यानी कि सीधी बात, नो बकवास। हाँ
बात जो है फैक्ट उसकी आपको अगर हिस्ट्री नहीं पता, उसकी आपको कोई पीछे पता नहीं है हुआ क्या है, असल बात क्या है, आप अपनी एक टांग अड़ा दें बीच में क्या फ़ायदा। और बाज़ दफ़ा ये होता है किसी का पर्सनल मैटर चल रहा होता है, सो उसके पीछे दोनों साइड की स्टोरी ना आपने सुनी हो, तो आप एक किसी को फेवर करने के लिए आप कर दें और दूसरी साइड की आपको स्टोरी नहीं पता, तो वो भी गलत बात होती है। तो बेहतर यह है कि आप न्यूट्रल रहें जब तक कि आपको दोनों साइड की कहानी नहीं पता। जैसे मैंने कहा सीधी बात नो बकवास, हाँ। वो मेरा क्यू था हमारे अगले सेगमेंट का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। तो ये वहाँ पे कुछ पहेलियाँ चलेंगी आपसे, बड़ा सिंपल सा सेगमेंट है, मुश्किल। हाँ जी, पहला पहली बात वो क्या है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है लेकिन जगह नहीं बदलती? 5, 4, 3, 2, 1। इतने स्मार्ट अभी आपने बोला, आप इतने स्मार्ट हैं, आप इतनी सी पहेलियों में बहुत पीछे हो। सीढ़ियां, सीढ़ियां ठीक है भाई, अगर सीढ़ी लकड़ी की हो तो जगह बदलेगी। हाँ इतना नहीं हमने सोचा, हमने सोच रहा। आगे जी, एक आदमी बारिश में बाहर गया बगैर छतरी के, बगैर सपोर्ट के, लेकिन एक बाल भी गीला नहीं था। टोपी पहनी होगी है, टोपी पहनी होगी, नहीं सपोर्ट नहीं है ना, टोपी को आप सपोर्ट समझ लें, कोई तो मतलब उसके बाल ही नहीं होंगे। हाँ गंजा था वो भाई, आप लोगों ने जवाब नहीं देने। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। एक प्याले में 6 सेब थे, आपने 4 निकाल लिए, अब आपके पास कितने सेब हैं? 4 हैं, 4। वेरी गुड, 4 निकाल लिए, वेरी गुड। इसमें वैसे मुश्किल क्या था ये पहेली में? ठीक है, वो कौन सी चीज है जिसकी टांगे हैं लेकिन चल नहीं सकती? कुर्सी। तालियां भाई, तालियां, वाह 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 वाह, आप तो बड़ी अच्छी पहेलियां पूछ रहे हैं। वो कौन सी चीज है जिसका कोई वजन नहीं सिर्फ एहसास होता है? हवा। वाह 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 वाह, आपके कान में कुछ लगा हुआ तो नहीं है जिससे बता रहे हैं आप? आसान है, मुश्किल है। कौन सा जानवर अपनी जबान से अपने कान साफ करता है? कुत्ता भी कर सकता है, कुत्ता ही करता। मेरे पास कुत्ते का ऑप्शन नहीं है। नहीं है। 5, 4, 3 आ गया जवाब। 2, 1 गिनती भी पूरी करनी चाहिए। भाई हमने नहीं देखा कभी ऐसे कान कान सा। जिराफ। ठीक है, ओके। इंसान 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 1 मिनट दे दे, मैं लेके देख ले। ये आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, आपको पता होनी चाहिए बात। यार मेरे ख्याल में 40 दफा। 2, 40, 50 दफा, 1। ये मेरे ख्याल में इतना सांस आप ले रहे हैं क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वो 12 से 20। अच्छा, मैं भागते हुए ले रहा था। या कुछ और करते हुए आगे चले। खत्म हो गए, ठीक है। एक एंड में था 60% तो हो गया ना, पास हो गया। हाँ 60% हो गया। अच्छा आपने परफॉर्म किया, सही। यानी कि पहेलियां पूछ लेते हैं आप। हाँ अगर इतनी आसान हो, इतनी आसान हो। अच्छा मैं अभी कह रहा था जैसे आपको कंट्रोवर्सी कोई है नहीं आपकी, लेकिन ये टीम ने एक दो बातें निकाली हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका ओपिनियन ले लूँ। जैसे तहसीन जावेद के साथ आपका एक फड्डा हो गया था, वो आपने अपनी इंस्टाग्राम पे एक लगाई भी वीडियो, क्योंकि आप लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं, वो क्या था मामला, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? बियॉन्ड द फैक्ट कि आपने ऑलरेडी उस पर एक लगा दी थी स्टोरी। हाँ लेकिन वो रिजॉल्व हो गया था मैटर बाद में तहसीन भाई से। वो हुआ ये था कि थोड़ा सा उस एक वो क्रिकेट टीम के कैप्टन शोबिस की हमारी बहुत सारी टीम है, सो एक टीम के वो भी कैप्टन थे, तो उस वक्त में ये हुआ कि कुछ नए बच्चे थे वो कुछ कंप्लेंट करते थे, यार हमारी बारी नहीं आती, हमें खेलने नहीं दे रहे होते, हमें ये नहीं करने दे रहे। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता। सो एक बड़ा मैच था हमारा, स्टेडियम में हो रहा था, सो मैंने लास्ट मिनट अपनी अप्रूवल दी। मुझे फ़ोन आया कि भाई वो करें, वो थोड़ा ऑफिशियल था, सो उन्होंने बोला कि यार मैं इस्लामाबाद में था, उन्होंने कहा नहीं आप आएँ खेलने आए, तो मैं आया इस्लामाबाद से खेलने के लिए। तो क्योंकि मैंने उनको अप्रूव नहीं किया था उस वक्त, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या क्या था, वो उन्होंने मैंने अप्रूव नहीं किया, मैं आया तो उन्होंने मुझे बिठा के रखा, सबके किट्स बन गए, मैं बैठा हुआ था, तो मुझे किट नहीं दी आखिर तक। तो वहाँ मैं थोड़ा सा फिर वो हुआ, मुझे गुस्सा भी आया, मैंने कहा मैं वहाँ से आया हूँ खेलने के लिए और मेरी किट नहीं बनी हुई, तो कहने लगा यार आपने तो ओके ही नहीं किया था। मैंने कहा मुझे तो स्पेशली बुलाया गया जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ से, तो फिर किट आपने क्यों नहीं बनाई? तो सब ग्राउंड में टीम चली गई। वो कहने लगा यार मैं अभी आता हूँ, मैं करता हूँ। तो मैं उठा, मैंने कहा अपनी इज्जत अपने हाथ में, मैं निकल गया बाहर।
तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा फिर वो लड़के शायद सही कह रहे होंगे, लेकिन वो कुछ बाद में फिर पता लगा कि कुछ कन्फ्यूजन थी उनके एंड से भी और सॉल्व हो गया। हाँ, रिजॉल्व हो गया। वो भी देखें आप इतने अच्छे हैं यार, वो भी आप फट्टा नहीं बनने दिया आपने। बस यार वो टाइम के साथ चीज़ों को ना यू हैव टू मूव ऑन। एक और वो था वो उर्वा वाला कुछ था, आपने उनके साथ काम नहीं किया था लेकिन आपने उनके बारे में वो देखें ऐसे ही एक शो था उसमें मैं फंस गया था। तो उन्होंने वो भी फिर मैंने पहले उसमें एक स्टेटमेंट दिया था अपना कि आपने कहा मैंने खुद काम नहीं किया। हाँ, मैंने ये कहा था कि दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी जो मैंने सुनी थी। सो वो मैंने कम्युनिकेट की कि यार ये थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी किसी को, तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई थी तो मैंने वो बताई। लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट शुरू में दिया था, वो काट दिया जिसने वो क्लिप निकालना था, वो क्लिप निकाला और वो चला दिया। लेकिन वो ये भी तो बंदा कह सकता ना आपने जब फिर बाद में उर्वा से मैंने वो अपोलोजाइज भी किया। अच्छा, पर्सनली भी आप मैंने उससे किया। वो मुझे एक दिन मिली कहने लगी मैं बहुत नाराज हूँ आपसे एजाज भाई। मैंने कहा यार वो देखो तुमने, मैंने वो स्टेटमेंट दिया था तुमने भी वो नहीं देखा। फिर कहने लगी हाँ मैंने, बस सही हो गई थी वो, सही हो गया वो भी। यार ये बहुत यार एजाज भाई की शराफत के लिए तारीफ है। अगर दुनिया में आपने कोई फरिश्ता देखना है वो एजाज भाई है। नहीं भाई ऐसा नहीं, मैं आप भाई आप निकल ही नहीं पा रही यार हमारे शो से। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंप्रेशन ना लेना यार कि भाई वो चलती रहे सालों साल कंट्रोवर्सी आप लेके दिल में दिमाग में बैठे रहे। वन हैज टू मूव ऑन। मैं कोशिश करूंगा कि ब्रेक के बाद हम कोई आपके कुछ अंदर की कोई बात निकालें, क्योंकि हमारा जो एक सेगमेंट है उसका नाम है बाजी सब जानती हैं। तो हमारे पास एक एक्सपर्ट है वो साइको एनालाइज करेंगी आपको। अगर आपने कुछ छुपा के रखी हुई है ना बातें तो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ख्वातीन आज़ाद वक्त हुआ चाहते हैं एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके बहुत ही मन पसंदीदा सेगमेंट के साथ हम शो को आगे लेके जाएंगे। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। आज भी 100 वाली दत्ती लेके आई थी? नहीं, आज 50 वाली दी है। 50 वाली में मान गए यार, क्या यार 50 रुपए में मान गए तुम लोग। मुझसे मिलना शो के बाद, मैं एलटी की रिफ्यू। सर ये जो है ना सुमेरा, इनको हम प्यार से बाजी कहते हैं। अच्छा, आप भी कह सकते हैं यार। वो मुझे भी कह देंगी। नहीं कहेंगी। ये ना इनके पास एक बड़ा अच्छा एक स्किल है, ये साइको एनालाइज करती हैं हमारे गेस्ट को और उनके बारे में वो सब बातें बताती हैं जो वो खुद बताना नहीं चाहते या छुपाते हैं हमसे। तो क्या है इनका, तो मैंने अभी तक देखा है शराफत का पुतला फरिश्ता। कुछ इनकी लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई फड्डे नहीं, कोई लड़ाइयाँ नहीं, कोई अफेयर्स नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। क्या है इनके चार्ट में? आप मैं इनका चार्ट अगर देखूं तो बड़ा कोई मजे का कलरफुल किस्म का इनका है? चार्ट है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ बोरिंग है, ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। और आप अग्री करेंगे इससे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, लाइफ तो इतने अच्छे एक्टर हैं। लेकिन इनके पास ये जो जो आप चाह रहे हैं सुनना वो ये सारी दुनिया को नजर नहीं आता इनकी, लेकिन अपनी लाइफ बहुत ज्यादा है, फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस रही। ये लालियां आ रही हैं इनकी चीख के ऊपर। आप पहली बार आप पकड़े और कह रही है सुन तो ले। हाँ, सो बेसिकली इनकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिसके अंदर ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस भी हैं और बड़े कोई रंगीन किस्म के भी एक्सपीरियंसेस हैं। ट्रोमेटिक छोड़ दें, आज हम रंगीनियों की बात। अच्छा, तो जितने भी रंगीन एक्सपीरियंसेस हैं मेरा, मुझे लगता है कि ये अपनी एक्टिंग के अंदर उसको पूरा कर लेते हैं। है? मतलब ऑन स्क्रीन ही जो हो गया बस वो उनकी लिमिट है। बिल्कुल, क्योंकि सर वहाँ पे तो शुरू होती है कहानी भाई, वही तो मजा आता है जो आप वैसे नहीं कर पा रहे होते, आपको मौका मिल जाता है। एक्टर को हर तरह का रोल मिलता है, हर चीज़ जो आपका प्रोफेशन नहीं है वो भी आप कर रहे होते हैं। कभी आप ये मत बोलिएगा क्योंकि आपको फाइटर जेट बनने का वो फाइटर पायलट बनने का शौक था तो आपको फाइटर जेट भी चलाने को मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही था। मुझे तो यार देखिए यार तालियां यार, मैं आपको एजाज भाई बोलूंगा भाई, मैं एजाज नहीं बोल सकता। बचपन में मेरा एक शदीद शौक था कि मैं पायलट बनूंगा बड़ा होकर, और वो मैंने ड्रामे में पूरा किया अपना ख्वाब। बस तो ये भाई एजाज भाई वो नहीं नहीं वो ड्रामे में शौक पूरे कर लेते हैं ये बोल रहे हैं। शौक भी तो बहुत मासूमाना है ना। नहीं नहीं आपने इनके नेगेटिव रोल्स नहीं देखे फिर क्या?
हाँ देखिए क्यों तो नहीं बस वो जो आप चाह रहे हैं वो मतलब इनका जो फ्लड बॉय वाला जो एक इमेज है नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि या कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है मीडिया में तो वैसे स्पॉटलाइट में हमारे एक्टर्स इतना होते हैं हाँ। कोई उनकी बात नजर आ ही जाती है कुछ ये बड़े कोई केयरफुल प्लेयर हैं ऐसे नहीं है प्लेयर हैं प्लेयर हैं सो ये डिफेंसिव होके खेलते हैं लाइक इनको पता है कि इनकी गुन्ने नहीं कहेंगे लेकिन इनको बाउंड्रीज का अपना अच्छी तरह पता है बाउंड्रीज पता है इनको इनको पता है कि इन्होंने कहाँ तक चीज़ों को लेके जाना है और उससे आगे कहाँ स्टॉप लगाना है तो इनको सेल्फ कंट्रोल जिसको कहें वो बहुत अच्छा आपने देख लिया था हाँ बिल्कुल ये मैंने तो विटनेस किया बिल्कुल आप हम जहाँ इनको ले जाना चाहते हैं ये घुमा के आपको वहाँ ले जाएंगे ये मैंने नोटिस किया इनके बारे में यस सो ही इज वेरी इंटेंस पर्सन आई वुड से और प्लस इनका एक जो चीज़ मुझे रिलेशनशिप में नजर आती है जो कि जानना चाहेंगे लोग इनको बड़ी कोई डेप्थ चाहिए रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं है कि ये जो है आज इधर और कल उधर और परसों उधर होंगे इनके अंदर ये नहीं है अगर ये आज जाएं वो वहां पर हैं और ये काफी टाइम तक वहीं रह जाते वेरी अनलाइक अ मैन एज एक्सप्लेन टू अस बाय खलील रहमान कमर साहब यस तो इनको बड़ी इंटेंसिटी चाहिए होती है प्लस इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ आपके ऐसे रहे हैं जिसमें मैं कहूंगी कि आपको सबक सीखने को मिला है आप हमेशा इतने स्मार्ट नहीं थे हाँ बिल्कुल लेकिन नहीं भी आप बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाता था तो फिर वक्त के साथ फिर अगर आप अपनी गलतियों से ना सीखें तो फिर तो ये आपकी अपनी गलती है ना ऐसा क्या चीज़ है बस ऐसे बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ कई दफ़ा हुए हाँ कई दफ़ा ऐसे मिसएप्स हुए कि यू नो ट्रस्टिंग पीपल क्योंकि मैं खुद इस तरह सोचता नहीं था कभी भी कि यार नहीं भाई हमारे माँ बाप ने रख स्ट्रीट स्मार्ट हमें ट्रेनिंग ही नहीं दी कि वो उन्होंने हमेशा से अच्छी बात बताई ये तो हम भी यही समझते थे अगला भी वैसा ही बहनों के इकलौते भाई तो शायद उस वजह से भी एक वो तो एक अलग लाड प्यार वाला फैक्टर होता है बट ये होता है ना कि आप अगले को भी वैसा ही समझते हैं क्योंकि आप खुद आपके जहन में उस तरह की कोई नेगेटिविटी या कोई ऐसी गलत बात नहीं होती तो वो फिर अगला बंदा उसका एडवांटेज ले लेता है सो वो कई दफ़ा हुआ एक दफ़ा नहीं चार पाँच दफ़ा तो फिर आप उस पॉइंट एक पॉइंट पे आके ना आपका वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है नाउ आई कैलकुलेट आई ऑब्जर्व कोई भी चीज़ करने से पहले मैं सोचता हूँ समझता हूँ अगले बंदे को फिर उसके बाद प्लस इनकी पर्सनैलिटी की खास बात यह है कि अगर इन्होंने आपको सब्ज बाग दिखाने हैं लाइफ में तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको सब्ज बाग दिखा सकते हैं उनकी आवाज में एक है हाँ, कुछ एक ड्रामेटिक स्टाइल में बताएंगे स्टोरी क्रिएट करेंगे हाँ, और विजुअल बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं हाँ, ये है तो वो नहीं होता वो जो हिप्नोटाइज कर लेते हैं लोग बात करके मुझे लग रहा है उनमें हिप्नोटिक पावर्स हाँ शीशे में उतार सकते हैं उतार देते हैं शीशे में उतार लेकिन डेंजरस के लिए है? अच्छी चीज जिस चीज से मैं कन्विंस होऊंगा वो ही फिर मैं उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ या मैं फिर उस चीज को ही प्रोजेक्ट करूंगा ना सही बिल्कुल उसका जो असल चीज है जो एक पिक्चर जो सही होनी चाहिए वो खींचता हूँ तो ये 3D में नहीं आपको पूरा 5D एक्सपीरियंस करा देंगे इतनी बातों के जरिए कि ये चीज़ इस तरीके से और आप शायद उस पर कन्विंस भी हो जाएं प्लस मैं ये भी कहूँगी कि इनकी जो ख़वातीन के साथ जो कॉन्वर्जेशन है वो इंटेंस हो जाती है तो ख़वातीन आपके पास अपने मसले भी लेकर आती होंगी नफ्सियाती मसाइल बस वो कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म का तो वो लोग खुल के बता देते हैं लोगों एक ट्रस्ट पे हाँ एजाज भाई बन जाते हैं बिल्कुल और ये उनके मसले हल भी करते हैं ये आई थिंक ये अच्छे साइकोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस से जो एडवाइस होती है वो दे देता हूँ कि फिर आगे तो यूजुअली खवातीन किस तरह के मसले लेके आती हैं वो बताए थे मैंने आपको कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं किसी को मोस्टली यही होता है वजन कम करना है या स्किन अच्छी करनी है फिटनेस रिलेटेड बिल्कुल ये नहीं तो, ये अपने हाथ साफ रखेंगे मैं पता है मैं इतना कंफ्यूज हो गया उनको लेके मेरा दिमाग जो है ना मैं नहीं समझ पा रहा उनको समझ जाए यार अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है यार आप समझ कभी कभी बिल्कुल फरिश्ता सिर्फ लगते हैं आपकी बातों से लग रहा है कि ये आप बिल्कुल फरिश्ता सिर्फ नहीं कहेंगे ये अपने हाथ साफ रखते हैं इनको पता है कि उन्होंने कहां तक लोनलीनेस दूर करनी है हाथ बड़े हैं ना तो साफ रहते अरे हाँ माशाल्लाह दिखाई ये लगा है ये ओ, हाँ मेरे दो आ जाएंगे भाई होपफुली बाकी मामला में मैं ठीक हूँ हमारे जो है ना कई दफ़ा ड्रामे में मैं और तुम में बड़ा मेरे हाथों का रिकॉर्ड लगता था फैसल लगाता था वो एक्सटेम्पोर होता था यस और गुस्से के मामले में हम जो कह रहे हैं कि इनका एक्सप्लोजिव किस्म का गुस्सा नहीं है इनका थोड़ा सा ये कि वो इंटरनलाइज भी करते हैं और
फिर उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलती की है, तो आप अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं और आप मान लेते हैं गलतियाँ, बिल्कुल गलती मानते भी हैं और अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं उसको लेके कि मैंने इस चीज़ों को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट ही इन्जॉयज द लाइमलाइट। अगर आप इनको ऑडियंस दें तो ये उसके अंदर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी एक जो हिडन साइड है उसमें भी आप जो हैं काफ़ी एडवेंचरस हैं। हाँ, मुझे बोरिंग नहीं रखना होता अपने आप को, मुझे अपने आप को हर वक्त बिजी रखना होता है, और वो हार्ले बॉयज भी तो हैं ना, आप हार्ले बॉय भी हैं वो भाई। सो मुझे जो है ना टाइम अपना यूटिलाइज करना होता है, सो मैं अगर फारिग बैठता हूँ ना तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ होती है जहाँ मैं एंगेज कर लेता हूँ अपने आप को, मैं मल्टीटास्किंग में मजा आता है। बिल्कुल, एंड ही एंजॉयज अटेंशन आल्सो, जो एवरीबॉडी एंजॉयज अटेंशन, बुरी बात कोई नहीं है, बिल्कुल आप एंजॉय करें। मेरे और इनमें एक फर्क है बस, बट खैर एनीवे ठीक है, उनकी बॉडी लिमिट्स हैं, उन्होंने लिमिट सेट की हुई है, बॉडी लिमिट्स हैं। हां, ये मैंने नहीं कहा, मैंने बड़ी कहा है, बड़ी लिमिट्स का, बड़ी लिमिट्स, बड़ी। अच्छा, ही इज आल्सो अ टीचर, वो लिमिट सीखे जो क्रॉस ना कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हसन का मोटो है, आपका बिल्कुल ये नहीं है, मुझे पता है। ये एक होता ना क्रॉस करना, एक होता फलांग जाना। हां नाइस, आप फलांग लेते हैं? मैं फलांग जाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे डेप्थ में चले जाना, ये सीखना पड़ेगा मुझे आपसे। हां सिखाता हूं। ओके, एक और चीज जो आपके बारे में मुझे, आपकी जिंदगी में बड़े हार्ड वर्क हुए हैं, सो यू 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 एक्चुअली टेक प्राइड इन दैट हार्ड वर्क। आपको कोई भी चीज आसानी से टेबल पे नहीं मिली है, सो इवन अगर आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में उसके लिए आपको हार्ड वर्क करते हैं। आई वर्क फॉर इट एंड आई स्टिल डू दैट, जो मैं सोचता हूं जो मुझे करना है उसके लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूं बकायदा, और फिर मैं उसके ऊपर काम करता हूं। सो आई मेक श्योर कि आई गेट अपॉर्चुनिटीज, कोई भी काम करना है तो वो फोकस होके करता हूं। बिल्कुल, और पूरी रिसर्च के साथ करता हूं। बिल्कुल, और आपको मेंटोरिंग का भी शौक है, टीचिंग का भी शौक है, मशवरे देने का, सिखाने का लोगों को, ये इनकी एक खास बात है। मुझे मजा आता है, इफ आई कैन पास ऑन माय एक्सपीरियंस टू समथिंग, गिविंग बैक टू सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लस आप एक, अब मुझे नहीं पता आप इतने अच्छे एक रिसर्चर बन सकते हैं कि आप डेप्थ्स में चले जाते हैं चीज़ों की। मैं बहुत रिसर्च करता हूं, स्टॉकर भी बन सकते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ खरीदी है मैंने और किसी दोस्त को लेनी है, तो वो अगर मैं कहूँगा ना तो वो उसको पता है इसने इसके पीछे सब कुछ खंगाल दिया होगा, गाड़ियाँ फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी हो गई या कोई भी, और घर की भी कोई चीज़ हो गई या कोई भी ऐसा चीज हो गई, तो वो माय रिसर्च इज कंप्लीट। तो किस चीज में इंडल्ज करना पसंद है इन्हें? इनको आजाद ख्याली बहुत पसंद है, यानी सोच में ही इतना ज्यादा आगे तक घूम के फिर के आ जाते हैं कि बिल्कुल विजुअली ही इज एवरीवेयर, लाइक मैं ये कहूंगी। और अभी करंटली भी इनका एक ऐसा ट्राउजर चल रहा है जिसमें ये अपने आप को ही आउटग्रो कर रहे हैं, यानी जो इनकी अचीवमेंट्स थी अब वो उसको बिल्कुल चेंज करके कि अच्छा ठीक है ये अचीव हो गया अब आगे चलो। ये तो आपने बताया आपके। सो आई ऑलवेज ट्राई रीइन्वेंटिंग माय सेल्फ, तो कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो करनी है, वो मुझे शौक है कि यार यू नो वो रिस्क लिया जाए और उसको किया जाए। सो वो ज़रूरी है इंसान को ना अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को यू नो एक्साइटमेंट हैज टू बी देयर। हाँ, लेकिन अगर इनकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है तो ये एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए खुद से ट्रबल भी लेकर आते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना डल हो जाता है ना जब, तो वो मैं फिर एक नया रिस्क, वो इतने मोहतात हैं वो क्या ट्रबल ले? नहीं नहीं नहीं, इस मामले में नहीं हूं मैं फिर वेंचर आउट करता हूं कि मुझे आई नीड टू हैव समथिंग न्यू। मेरे वाला इनका ये वाला है एक्साइटमेंट जो है ना वो नहीं जरूरी है, कोई भी आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बाकी रेस्ट ऑफ द चार्ट आई थिंक हमने सारी चीजें कवर की कि आप एक अच्छे एक्टर तो बिल्कुल हैं, लेकिन आप वैसे भी पब्लिक के सामने अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा दिखने का भी शौक है, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी हिडन लाइफ है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, एक हिडन साइड होगी जिसमें आप शायद लोगों की हेल्प वगैरह भी करते हो। अगर आपके पास कोई अपनी जरूरत लेके आ रहा है तो वो अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा है उसको, आप अगर उसकी कोई खामोशी से आप उसको, आप कोई पूछना चाहेंगे? नहीं, बता दिया सर, सही बताया। कितने परसेंट एक्यूरेसी थी वैसे? मेरे ख्याल में 99%। 99%, वेल डन, वेल डन, थैंक यू। आप बोलो बाजी बाजी जोर से जो बोल रहे थे। बाजी 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 खाना नहीं खाया? हाँ।
थैंक यू सुमेरा, आप हमेशा हमें बड़ी जबरदस्त इंसाइट देती हैं हमारे गेस्ट के बारे में, और आज तो आपने जो इंसाइट दी है वो मुझे अभी बहुत मदद करेगी शो में आगे चल के. थैंक यू वेरी मच. वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. भाई एक हमने अभी तक ऑडियंस एक ही लिया इंटरेक्शन, उसके बाद कुछ चाहते हैं कि और भी लोग आपसे कोई बात करें. आ जाए, आप घबरा इतने गए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घबराया. चले ऑडियंस की तरफ अगर आपकी इजाजत हो. बिल्कुल चले. हाँ भाई, कोई सवाल है और पूछना चाहता है कोई? जी आ जाए, आप आ जाए, आप भी आ जाए, बैठे यहाँ पे आके. क्या नाम है आपका, माइक में बताएं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? मैं ठीक. मेरा नाम मुंतहा है और मैं आपसे मुंतहा. ओके मुंतहा, मेरा क्या है इसका पहले ये बताओ. बुलंदी. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हमने मतलब मैंने ये देखा है कि सारे एक्टर्स जो हैं वो अपनी वाइफ को अपने साथ रखते हैं, मतलब भले वो एक्टिंग नहीं कर रही हो लेकिन वो उनके साथ होती हैं, लेकिन आपने अपनी वाइफ को क्यों छुपा के रखा हुआ है? मैंने बिल्कुल छुपा के नहीं रखा हुआ. एक एक आध दफ़ा मैं किसी शो में गया तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाता हूँ, एक प्राइवेसी नहीं होती ना, हर कोई आता है फिर मिलता है वो करता है, तो वो उनको भी ऐसा लगा एक शो में आने के बाद कि वो उनकी प्राइवेसी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है. सो मेरी जो फैमिली है ना वो सोशल मीडिया और उससे बिल्कुल अलग रखती है अपने आप को, ताकि वो सुकून से अपनी जो ज़िंदगी है ना वो बगैर आराम से बाज़ार में भी घूम सकें, सब जगह जा सकें. सो उनको उनकी अपनी चॉइस है, तो मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मुंता के लिए तालियां, मुंता के लिए. थैंक यू मुंता, आई एम प्लीज वापस. हर एक की अपनी चॉइस होती है. बट टेल मी समथिंग, आपके बच्चों का क्या है प्लान? वो उनमें से अगर कोई इंटरेस्टेड है मीडिया में, एक्टिंग में? हाँ, अगर विद टाइम अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो जरूर. मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. आप हाँ ये नहीं कहेंगे नहीं इस फील्ड में मत जाओ? नहीं नहीं, क्यों नहीं जाओ? आपके अपना पता होना चाहिए क्या किस तरह करना है, व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग. तो यू आर ओपन टू द आईडिया. हाँ ठीक है ठीक. और ये तो एक स्किल, एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक स्किल है जो कि आप अंदर से अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है. सीख नहीं सकते आप, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं विद टाइम, लेकिन आपको ये अंदर से होता है कि है तो वो है. ठीक है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा सर आपका ये पर्सपेक्टिव जान के. अगला जो हमारा सेगमेंट है खतरनाक लग रहा है. वाह वाह, वो तालियां बजाएंगे. वाह, आपने पट्टी उठाई है ना. ये पट्टी है, ये पट्टी आपको पहनानी पड़ेगी हमें, क्योंकि अगर अगला जो हमारा सेगमेंट क्या करवा रहे हैं सका, उसका नाम है तुक्का लगाओ. अच्छा, और इसमें कुछ इस संदूक में कुछ प्रॉप्स हैं जो मैं आपको गैस कराऊंगा, और आपने सिर्फ मेरी डिस्क्रिप्शन से गैस करना है कि वो क्या है. पहन लूं ये? पहन लेना, तो फिर यही तो है ताकि आपको दिखे नहीं कुछ. अच्छा, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? नहीं. ओके, पहला प्रॉप मैं निकालने जा रहा हूं. ये तो गिरा दिया भाई. ओके हाँ जी, ये है, ये इसको बजाते हैं. बजाते हैं? हाँ, गोल है और इसमें इसकी एक साइड भरी हुई है, एक साइड खाली है. डफली? डफली ठीक है. ये जो चीज है ये इसकी एक साइड गोल है और दूसरी साइड जो है एक पतली सी लंबी सी चीज निकली हुई है इसमें से. और क्या कोई स्पोर्ट खेलने की चीज है या खाने नहीं की? खेलने की चीज नहीं है, इसमें कुछ बनाया जाता है. तो ये वो होगा वो जो खाना बनाने वाला चम्मच होता. हाँ, इसमें एक लंबी सी चीज है जिसको मैंने पकड़ा हुआ है अभी. एंड दैट्स लीडिंग टू समथिंग व्हिच इज राउंड एंड गोलाई में है वो. और वही कह रहा हूँ, खाना बनाने वाला चमचा तो नहीं है? चमचा नहीं है ये. अच्छा, गहराई है इसमें? गहराई है इसमें. तो ये वो भी हो सकती है, वो दूध निकालने वाला जो? नहीं वो नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है. ज्यादा बड़ा है वो? गोलाई में बड़ा है ये. अच्छा, खाने में नहीं आ सकता ये? खाने पीने की चीज से कोई ताल्लुक नहीं? खाने पीने है ना इसमें, बनाते हैं कुछ. अच्छा, तो ये फ्राइंग पैन हो सकता? फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन. वाह 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 वाह. अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जिसमें छोटी छोटी डंडियां हैं.
कहीं पे मोटी डंडियां हैं, कहीं पे पतली डंडियां हैं। और किस काम आती है ये? काम आती है खूबसूरती को निखारने में। खूबसूरती को निखारने में मसाजर होगा कुछ? मसाजर नहीं है। अच्छा, ये खूबसूरती एक स्पेसिफिक जगह की खूबसूरती है जिसको निखारती है ये डंडियां। कंगी संवारने का बोलना चाहिए था। संवारने, बाल संवारने में ना। हाँ, इसको मुंह में लेते हैं और अक्सर मुंह में डाल भी देते हैं। टूथब्रश? नहीं, मुंह में रखते हैं इसको काफी देर, चूसते हैं इसे मुंह में रख के, या चूसवाते हैं मुंह में रख के। कॉफी? गोली? नहीं, कैंडी? चूसनी? 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 भाई टाइम तो ज्यादा दो यार। चलें, लास्ट वन। लास्ट वन। हाँ, इसको गले में बांधते हैं। गले में बांधते हैं हार? नहीं, इसके दो सिरे होते हैं, एक मोटा एक पतला। टाई? टाई। बस ठीक है, अब आप उतार रहे हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छी दी आपको। हाँ, कंगी नहीं गैस कर पाया? क्यों अच्छा देना चाहिए? कंगी, कंगी क्यों नहीं गैस कर पाया यार? आपने ब्यूटी पे चले गए ना, मैं वहाँ फंस गया। तो ब्यूटी तो है। नहीं, वो तो बालों की संवारना बोलते हैं ना, फिर मैं समझ गया। अच्छा ठीक है, बहरहाल आपने अच्छा खेला भाई, तालियां एजाज के लिए। और कोई सवाल है? कोई पूछ, आप पूछना चाहते हैं? आ जाओ यार, आ जाओ, यहाँ पे बैठो, बैठ के सवाल करो यार। हाँ, क्या सवाल लेके आए हो? नाम क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम हसन है। सर मेरा आपसे सवाल है कि आप मिमिक्री करते हैं, तो किसी की मिमिक्री करके दिखाएं। मैं कहाँ करता हूँ भाई मिमिक्री, कॉमेडी करता हूँ। नहीं सर, किसी की भी ट्राई करके दिखाएं। बट हाउ गुड इज योर मिमिक्री? मिमिक सही है, किसी को बहुत ऑब्जर्व किया हो तो कर भी सकते हैं। किसकी मिमिक्री करके दिखाएं ना किसी की। देखिए जी, आप सब लोगों से गुजारिश है कि मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो मेरे से मुश्किल सवालात ना करें। आपने एक सवाल ऐसा किया है कि इतना मुश्किल नहीं था लेकिन था, बस मैंने कर दिया। अरे वाह, जबरदस्त, थैंक यू यार, थैंक यू। ये है आप में टैलेंट मिमिक्री वाला? यार ऑब्जर्व किया तो कर सकते हैं। कोई एक्टर्स की भी मिमिक्री कर सकते हैं आप? एक्टर्स का हर एक का एक अपना स्टाइल होता है, लेकिन एक पर्सनल होता है स्टाइल, वो टीवी पे नहीं आता नज़र। किसकी कर सकते हैं? फैसल कुरैशी की। फैसल की? बल्कि मैं फैसल का मैं एक एक्सप्रेशन बताता हूँ। हाँ बताएं ना। फैसल का एक एक्सप्रेशन है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है 36 का 12। 36 का 12 वो हर ड्रामे में होना ज़रूरी है, जहाँ पे इंटेंस हो, और वो कभी कभी रियल लाइफ में भी कर देता है तो हमारी हंसी निकल जाती है कि भाई ये ड्रामा नहीं चल रहा। फैसल का एक पोज होता है कि दीवार है उस पर खड़ा होगा ना, वो यूँ हाथ रखेगा इनका। ये हर ड्रामे में होता है। अच्छा, अदनान सिद्दीकी का कोई है एक्सप्रेशन? अदनान भाई तो इतने वाइब्रेंट आदमी है, और एक चीज जो वो बहुत करते हैं, बांसुरी बहुत बजाते हैं। जेब में रखी होती है और उन्होंने बांसुरी निकाली शुरू। और अदनान की तबीयत जो है वो बहुत जॉली फ्रेंडली, हर जगह मजाक करते हैं, देखते नहीं क्या है, कौन बैठा है क्या है बस। और हुमायूं? हुमायूं बहुत काम आदमी है और इंटेंस आदमी है वो। हाँ, ये लोग इंटेंस है, वो ऑब्जर्व करता है, बोलता कम है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सर हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है डेंजर डेक। एक क्या है? डेंजर डेक, डेंजर डेक। भाई कोई सीधी चीज नहीं है भाई, सीधा ये रैपिड फायर है बेसिकली। अच्छा। नाम उन्होंने इसका डिफरेंट यार, नाम नहीं निकलवाना किसी के। इन एक्टर्स को इनकी एक्टिंग के हिसाब से रैंक करें, 10 में से नंबर देते हैं आप, ठीक है? निदा यासिर। निदा यासिर तो होस्ट है, एक्टिंग एक्टिंग की है उन्होंने। 6 नंबर। 6 नंबर आप दे रहे, क्योंकि काम देखा नहीं है ज्यादा, ठीक है। माहिरा खान। माहिरा, माहिरा या माहिरा? माहिरा खान। माहिरा खान 8 out of 10। इकरा अजीज 9.5। ओके, हानिया आमिर।
9.5. ओके, आयशा उमर? 8. ठीक है. अच्छा, अब इन एक्टर्स को आपने फिटनेस के हिसाब से नंबर देने 10 में से. अदनान सिद्दीकी? अदनान 9. मोहे मिर्जा? 9.5. फैसल कुरैशी? 9.5. दानिश तैमूर? वो भी 9.5. सारे फिट लोग हैं. तो 0.5 क्यों काटा आपने इन तीनों? यार वो वैसे ही एक 10 पे हर कोई नहीं, 10 पे तो कोई भी नहीं है ना. तो अदनान सिद्दीकी का क्या कसूर है, उनको आपने आधा नंबर और? अदनान भाई कैजुअल है ना, कभी कभी डंडी बहुत मारते हैं खाने में. एक चीज जो आप हमारी इंडस्ट्री के बारे में चेंज करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में हर एक को ना अपने काम से काम रखना चाहिए. ये एक ऐसी चीज़ है, दूसरे के मसले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या दूसरे के काम में. एक होता है कि खामखा की एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, या फिर यूं कह लें कि एक चीज़ होती है ना, मैं चार जगह बैठा हूँ, अगर मुझे एक एक्टर पसंद नहीं है, या तो मैं एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर बैठा है, मैं हल्की सी कोई बात कर दूंगा, यार वो उसकी वो चीज़ देखी थी ना, वो मज़ा नहीं आया, तो वो उसके जहन में बात आ जाती है. ये बहुत होता है हमारी इंडस्ट्री में, ये नहीं होना चाहिए. क्योंकि आपकी शादी को माशाल्लाह इतना अरसा हो गया, तो शादी में खुश रहने की 3 टिप्स. स्पेस, अपने जो है ना पार्टनर को स्पेस ज़रूर देनी चाहिए और समझना चाहिए जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी इश्यूज होते हैं, उसको बात करके रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. किसी तीसरे को ना डालें बीच में, खुद रिजॉल्व करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है. अच्छा, कौन सी फीमेल एक्टर सेट पे ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करती है? या मैंने इस बार उनका नाम बताइएगा जिनके साथ आपने काम किया है. मेरे ख्याल में सेट से पहले लोग टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, लेकिन सेट पे आके मैंने मोस्टली जिनके साथ काम किया है टेंट्रम्स. अच्छा, आजकल नहीं थ्रो कर रहे सेट पे? सेट पे कोई भी नहीं करता. ठीक है, सेट पे नहीं करता. सेट जब प्रोजेक्ट शुरू होने वाला तो उससे पहले जिसने जो करना होता है वो कर लेता. ठीक है, आपका अब तक का फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा और क्यों? मुझे चीख बहुत अच्छा लगता है अपना प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें मेरे पास बहुत डिफरेंट शेड्स थे परफॉर्म करने के लिए, मार्जिन था. और दूसरा मेरा किस्मत एक प्रोजेक्ट था जिसकी मैंने बात की थी, जिसमें जुहेब और इमान अली थे. अच्छा, आपने एक मेल और एक फीमेल एक्टर का नाम बताना है जिनके साथ काम करने में आप बहुत कंफर्टेबल हैं. मेल में फैसल के साथ बड़ी अच्छी मेरी केमिस्ट्री रहती है, और फीमेल में सबा कमर. ठीक है, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको आया आपने नहीं किया फॉर व्हाटएवर रीज़न, और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि यार कर लेना चाहिए था? नहीं, कोई मुझे अच्छा लगता है मैं कर लेता हूँ. अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि टाइम की वजह से आप ना कर सकें, ऐसा कोई नहीं है मेरे ख्याल में. ऐसा है, समझ आया वो कर लिया मैंने. ठीक है, और फाइनली आपके हिसाब से हमारी इंडस्ट्री का नंबर वन एक्टर और नंबर वन एक्ट्रेस कौन है? लड़कियों में मुझे लगता है सबा इज एट द टॉप, सबा कमर. और आप यंगर जनरेशन में बात कर रहे हैं आप? ओवरऑल मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो नुमान एजाज, थोड़ा सा उसके बाद आएँ तो फैसल कुरैशी, आज के अगर उसमें हम आएँ तो वहाज एंड बिलाल अब्बास. आई थिंक तानिया भाई, आई होल हार्टेडली एग्री विद यू. और लड़कियों में भी सबा से अगर बाद में आ जाएँ तो आई थिंक आयजा एंड हानिया आमिर, दे आर प्रेटी गुड. ठीक है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आपने रेंज रहे, ऐसे घबरा रहे थे आप? मैं समझ रहा था वो होंगे मल्टीपल चॉइस के. नहीं, ऐसे हम करते नहीं सवाल कॉन्ट्रोवर्सी. अच्छा था, अब मैं आप जैसे शरीफ हैं हम भी बहुत सही है. यस, अभी हमारा जो अगला सेगमेंट है ना बहुत मजे का है, इसका नाम है अंदर की बात. इसमें बहुत ही आपसे बेसिक लेवल के सवाल पूछेंगे, जस्ट टू नो मोर अबाउट यू. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम चीट मील कब खाया आपने? मैं यूजुअली वीकेंड्स के ऊपर चीट मील खाता हूँ. और क्या खाया आपने? मुझे कोरमा बहुत पसंद है. अच्छा, तो मैं कोरमा खा लेता हूँ वंस अ वीक, या फिर मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पूरा हफ्ते में नहीं खा रहा होता वो खा लेता हूँ. ठीक है, आखिरी महंगी चीज़ क्या खरीदी आपने? जूते हैं? जूते, शूज़. अच्छा, जूते, वो सब महंगे खरीदे? इतने महंगे खरीदे आपने कि आप उसको महंगे जूतों में ला रहे हैं? कितने के खरीदे आप? छोड़ दे. अच्छा, बिजली का बिल कितना है आपका पिछले महीने? यार मेरे घर पर सोलर लगा हुआ है. सोलर लगा हुआ है तो
लेकिन उसके बावजूद भी कोई 2-3 महीने से 40-45 हज़ार का आ रहा है। अरे महंगाई बहुत हो गई भाई। लास्ट टाइम फैमिली डिनर पे आप कब गए? ब्रेकफास्ट पे गए थे कल। ब्रेकफास्ट पे कल ही गए? हाँ। अरे वाह ज़बरदस्त। अच्छा आखिरी आपने भाभी की हमारी कौन सी ख्वाहिश पूरी की थी? यार वो बहुत कम ख्वाहिश का इजहार करती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो मुझे अगर पता लग जाए तो मैं। तो क्या थी आखिरी ख्वाहिश जो पता चली आप? यार वैसे एक ज्वेलरी थी। ज्वेलरी, ठीक है। कल रात को डिनर में क्या खाया आप? कल मैंने दाल खाई थी चिकन के साथ में, बड़ी स्पेशल दाल बनवाता हूँ अपनी। स्पेशल दाल? और वो चिकन होती है उस पर लेयर होती है, वो दाल होती है उस पर चिकन की लेयर होती है। दाल होती है और चिकन की लेयर होती है, वो मतलब छोटी छोटी जैसे सूप में नहीं डलती। हाँ। चिकन में उस तरह वो स्प्रिंकल करवाता। अच्छा वेरी नाइस। रात को सोने से पहले क्या 3 काम आप करते ही करते हैं? रात को सोने से पहले मैं पानी कम पीता हूँ। उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए आप क्या? नहीं, क्योंकि रात में उठना पड़ता है, फिर मैं सारा दिन काफी पानी पीता हूँ। ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है जरा रात का टाइम आ रहा हो तो मैं वो कर दूं। और अब मुझे जो है ना सुबह की रोशनी जो होती है उससे मेरी आंख फौरन खुल जाती है, तो मैं ये जो आपने अभी पहना है ना ये मैं पहन लेता हूँ अगर मुझे देर तक सोना है। वैसे तो मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, अंधेरा ही होता है उस वक्त। और क्या करता हूँ, और हाँ दांत साफ करता हूँ। ठीक है। आखिरी आर्गुमेंट आपका किस दोस्त से हुआ और किस बात पे हुआ? दोस्त से नहीं हुआ मेरा आर्गुमेंट, मेरा ड्राइविंग करते हुए बहुत आर्गुमेंट होता है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है घर से निकले तो रॉन्ग साइड से बहुत लोग आते हैं और फिर उनको आप समझाएं तो आगे से यूं वो करते हैं कि हम मतलब हम सही आ रहे हैं, तो मेरा उस पर आर्ग्यूमेंट होता है बड़ा शदीद। मैं तो रोक के होता है, मैं तो रोक लेता हूँ, मैं बड़ी बेइज्जती करता हूँ फिर। अच्छा हाँ, तो वो पहचान जाते हैं आपको क्या? पहचान जाते हैं और वो फिर 2-4 जमा भी हो जाते हैं कि अरे छोड़ें सर, तो फिर मैं उनको भी सुनाता हूँ। ठीक है। वो गलत चीज़ कर रहा है एक आदमी, उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते ना। और आखिरी, अगली आपकी डेस्टिनेशन क्या है छुट्टी के लिए? मोस्टली US जाता हूँ मैं, और वहाँ पे बहुत दोस्त हैं, फैमिली है, सब वहीं जाऊँगा। अमेरिका ही प्रेफर करें? हाँ। ठीक है भाई, तानिया ये भी बहुत अच्छा सेगमेंट रहा आपके साथ। एक सवाल हमने ऑडियंस का और लेना है अगर आपकी इजाज़त हो तो। खतरनाक सवाल लाती है। हाँ भाई, निकाला है कहीं से? जी जी, आप पूछेंगे। गूगल पे सर्च करके निकाला है। आप उधर बैठ के पूछो इस बार सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नईम है सर, और हमने सुना है सर आपको शूट की पेमेंट टाइम पर मिलने के बजाय हेल्दी खाना टाइम पर मिलने का टेंशन होता है, तो क्या ये सच है सर? भाई ये पहले होती थी टेंशन, अब मैं अपना खाना वाना सब खुद इंतज़ाम करके ले जाता हूँ, मेरे किसी पर डिपेंड नहीं करता, और पेमेंट भी मैं ले लेता हूँ टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू नईम। नईम आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। बस जहन में आ गया सर, मैंने कहा बड़ा अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सर। पूरी फिटनेस की बात कर करके एंड में इनके जहन में ये सवाल आया कि आप शूट पे जब आते हैं। अच्छी बात है, वो मैं अपना सारा सिस्टम मेरा पूरा होता है शूट। आज नहीं लेके आया आप कुछ साथ? आज अब जल्दी चला जाऊंगा ना। अच्छा। मैं शाम में एक मील खाता हूँ। एक मील? और वो मैं खाता हूँ 6:30-7 बजे बस। बस 24 घंटे बीच, मतलब ब्रेकफास्ट करता हूँ, बीच में दोपहर में फ्रूट्स खा लेता हूँ, लेकिन एक जो मेजर मील होता है वो एक ही होता है। ठीक है, मुझे लगा कोई हम देख लें आपकी क्या फिटनेस का राज है, तो हम भी वैसे वो भी शूट पे आप पूछें किसी से। ठीक है। मेरा एक बड़ा मज़ेदार रूटीन होता है वो, उसको एजाज़। इतना मुझे मज़ा आया आज आपसे बात करके, यकीन जानिए एजाज साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन करें, और जाते जाते कोई मैसेज पैगाम आप अगर देना चाहें अपने फैंस को तो ऑल द कैमराज आर योर्स। भाई मैं फैंस को तो हम देते ही रहते हैं मैसेज, मैं मैसेज देना चाहूँगा जो हमारे बहुत सारे भाई हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं रोड पे, उनकी डिक्शनरी में ब्रेक क्यों नहीं होती मुझे ये समझ नहीं आती, इतनी जल्दी में क्यों होते हैं, 200 की स्पीड पे जा रहे होते हैं कि ऐसे पहुँचना है कि बस वो कयामत आ जाएगी। और दूसरी बात, एक नया स्टाइल आ गया यहाँ कान में यूँ फ़ोन लगा के और बाइक, सो उससे आपको पता है कितने आप कितनी ये डेंजरस चीज़ है, कितने लोगों के लिए आप रिस्क पैदा करते हैं, अपने लिए आप, हर इंसान के साथ एक फैमिली जुड़ी होती है, तो थोड़ा फ़ोन इस्तेमाल करते हुए, जो स्पेशली बाइकर्स हैं, गाड़ी वाले भी हैं,
आप देखें जब आप जा रहे होंगे गाड़ी कभी इधर आ रही होगी कभी इधर आ रही होगी, आप समझ जाएं उसमें वो फ़ोन पर बात कर रहा है। हमारा दिमाग इस तरह का नहीं डिज़ाइन हुआ कि हम मल्टीटास्किंग कर सकें, हम फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं गाड़ी भी चला रहे हैं। और बाइक पर तो और डेंजरस होता है, अब आजकल वो आ गया कि वो जी फ्यूल टैंक पर रख दिया मोबाइल और लोकेशन ढूंढ रहे हैं, हम नीचे देख रहे हैं बाइक इधर जा रही है। सो यार एहतियात किया। बल्कि मैं एक चीज़ आपकी परमिशन से ऐड करना चाहूँगा, रात को बाइक की बैक लाइट नहीं होती बिल्कुल। हाँ, भी ये भी एक बड़ा मसला, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रीट लाइट्स का, और लाइटिंग रात को सड़कों के ऊपर इतनी अच्छी नहीं है, और फिर उसके बाद स्पीड भी इतनी होती और है, जा रहे होते हैं और एकदम आप जब आपकी गाड़ी की लाइट पड़ती है फिर आपको पता चलता है कि कोई बाइक जा रही है, और उसमें भी जब ज्यादातर बाइकर्स होते हैं उन्हें हेलमेट भी नहीं पहना होता, सेफ्टी गियर भी नहीं होता उनके पास, और फैमिली को भी लेके बाइक के ऊपर जब जा रहे होते हैं तो फैमिली की भी कोई सेफ्टी के लिए उन्हें कोई ऐसे जो है ना बड़ा ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है ये सब चीजें ना, ये फोन की वजह से, मोबाइल फोन की वजह से। प्लीज अपनी जान की हिफाजत करें और अपनी फैमिली की जान की हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। खुदा ना खास्ता आपकी कोताही की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो दूसरों की जिंदगी पे भी उसका बहुत बुरा और गहरा इंपैक्ट होता है। सर थैंक यू सो मच, आज इतना मजा आया आपसे बात करके। भाई एक चीज मुझे समझ आई है कि आप बहुत बहुत शरीफ हैं, बस मैं चाहूंगा कि कोई अगली कुछ आने वाले सालों में महीनों में कोई एक कंट्रोवर्सी तो आप निकालते हैं कुछ। हाँ मैंने आज बहुत कोशिश की मैंने आज, लेकिन हम कुछ ना निकाल पाए। चले कुछ करते हैं इसके कुछ बारे करें। एजाज भाई जाते जाते मैं बोलूंगा, एजाज भाई जब तक कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी आपके एक और फेवरेट गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू।